भाजपा की जन आक्रोश रैली अजगरा ग्राम पंचायत से हुई रवाना, कई पदाधिकारी रहे मौजूद। सरवार के निकटवर्ती ग्राम पंचायत अजगरा से आक्रोश रैली रथ को भाजपा पदाधिकारी राजेंद्र विनायका, पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम, मिथिलेश गौतम, भूपेंद्र सिंह शक्तावत, उप जिला अध्यक्ष रिंकू कंवर राठौर, केकेडी प्रधान होनहार सिंह राठौर सहित कार्यकर्ताओं के साथ रवाना किया गया। इसी दौरान ग्राम पंचायत ताजपुरा में जन आक्रोश रैली का रथ पहुंचने पर ताजपुरा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के सभी पदाधिकारियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं मिथिलेश गौतम ने संबोधित करते हुए बताया कि यह कांग्रेस सरकार कर्ज माफी, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ अत्याचार, लूट, डकैती, आए दिन हो रहे हत्याओं को लेकर मौन है, जिससे आम जन गरीब लोगों को बीते 3-4 सालों में हर गांव धानी पंचायत में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन अभी तक आमजन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर आज कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकालकर सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपके गांव में 4 साल तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। पानी बिजली से हर गांव गरीब परेशान है एवं आने वाले समय में 2023 में इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना है और भाजपा की सरकार बनेगी और हर गाँव गरीब लोगों के काम होंगे, सड़कें बनेगी, पानी बिजली के वाजिब दरों पर लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेगी। इसी दौरान जन आक्रोश रैली रथ यात्रा रामपाली, बिलिया, सांपला, भगवानपुरा, भाटोला, फिंगद्रा, लल्लाई, ठिगोनिया, सियार, बिरला, सदापुर, फतेहगढ़ क्षेत्र का दौरा कर कांग्रेस सरकार के 4 साल की नाकामियों, विनय और आने वाले 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी यात्रा के दौरान मंडल अध्यक्ष रामेश्वर गोस्वामी, फतेहगढ़ सरपंच प्रतिनिधि भागचंद चौधरी, प्रतिनिधि महावीर धाकड़, राम प्रसाद राम निवास वैष्णव, मौजूद रहे मैं समझा है। आपका आपका मतलब इसमें राजनीतिक भेदभाव हुआ है, जादू हो जाओ। साथ ही जो परिसीमन जो आपके जो 600 वोट है आपके 500 वोट है, 1100 समझा है। ये तो सरकार है, लोड वोट तो कोर्ट में भी अपने उड़ा निकला जो राजनीतिक व्यवस्था बना दी दूर आपसे आप मैं समझा यह मत। क्या आप आने वाले समय के अंदर क्या कांग्रेस को वोट देंगे? अरे नाम नलिया, हाय 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 हाय।